है, लेकिन क्या करूं, इसका ये काम नहीं करता और मैंने इसके 700 रुपये बर्बाद कर दिए, वेस्ट कर दिए। देखे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के लिंक था वहां से मंगवाया इसको, लेकिन वहां से भी मेरे को फेक मिला। तो आप लोगों ने अगर बोया M1 का माइक खरीद लिया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर नए नए यूट्यूबर ऐसे ऐसी गलतियां करेंगे तो वो आगे जाके बहुत पछताएंगे। अभी से वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मैं आज क्या इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने जो एक गलती की थी उस गलती से अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, जिसकी मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था, ठीक है, और वो चीज़ भी मेरे काम की नहीं है। मैंने ख़रीदा था बोया M1 का माइक, जिसकी की डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है मार्केट में, और बहुत सारे डुप्लीकेट जो उसके माइक्स बनने शुरू हो गए और डुप्लीकेट ही आ रहे हैं ऑनलाइन भी। आप लोग भी ये बोया M1 का माइक खरीद रहे हैं तो आप लोग बोया M1 का माइक खरीदना छोड़ दो और कोई दूसरा माइक पकड़ लो, क्योंकि बोया M1 का जितना माइक खरीदने के पीछे भाग रहे हैं उतने ही ज़्यादा इसके जो डुप्लीकेट आ रहे हैं मार्केट में। और काफ़ी सारे बंदे भी रो रहे हैं कि यार माइक जो काम नहीं करता, ठीक से काम नहीं करता, उसमें ऑडियो जो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और ना ही उसमें नॉइज वगैरह हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है। तो ये मेरे पास एक बोया M1 का माइक है जो कि मैंने लिया था 700 रुपये में, और ये आप लोग अगर बड़े यूट्यूबर के एफिलिएट जो लिंक होती है दी हुई उसकी मदद से भी खरीदते हो तो आपको अमेजोन पर भी ये जो है डुप्लीकेट ही मिलेगा। तो आप लोग देखो इस माइक को परचेज करना बिल्कुल छोड़ दो, और इस माइक के अंदर क्या क्या ऐसी गलत जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसकी वीडियो में, आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस माइक के अंदर जो क्या क्या ऐसी गलत चीज़ें जिसकी वजह से आपको ये माइक नहीं खरीदना है। अगर आप लोग नए यूट्यूबर हो ना, नए यूट्यूबर का चस्का होता है कि यार बड़े यूट्यूबर बोलते हैं हमारे पास एक माइक होना चाहिए यार, एक छोटा मोटा माइक होना चाहिए, लेकिन आप लोग माइक ना खरीदो। मैं तो ये बताता हूँ, आपके पास मोबाइल लेना तो मोबाइल से शूट करो। मेरे पास मोबाइल ही है, माइक वगैरह कुछ नहीं है, मैं माइक से शूट ही नहीं करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास पड़ा है, लेकिन क्या करूँ इसका ये काम नहीं करता और मैंने इसके 700 रुपये बर्बाद कर दिए, वेस्ट कर दिए। तो आप लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें कि माइक खरीदने की गलती, क्योंकि ये माइक जो मार्केट में डुप्लीकेट आ चुके हैं, और आप लोगों का अगर कोई शॉप से खरीद रहे तो आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप टेस्टिंग वगैरह करके खरीद सकते हैं और गारंटी कार्ड भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जो है अमेजोन पर आप लोग इसको डुप्लीकेट ही खरीद सकते हैं और ओरिजिनल आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर होता क्या, देखिए दोस्तों, हम लोग इसको जैसे ही माइक को यूज़ करते हैं ना, मोबाइल के अंदर इसको प्लग लगा के यूज़ करेंगे, तो जैसे ही यूज़ करेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम इसकी रिकॉर्डिंग को जब एडिट करते हैं तो इसमें ना तो कोई नॉइज हटता है, ना कुछ हटता है, ना और भी कोई क्लियर वॉइस आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं जैसे कि माइक से रिकॉर्ड किया हुआ है। माइक से रिकॉर्ड किया हुआ जो वॉइस होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और ऐसे ही जो वॉइस होता है वो भी अलग होता है, लेकिन अलग। और मैंने दोनों को टेस्ट किया, माइक से भी टेस्ट किया और दूसरा वाला को भी टेस्ट किया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं है, तो फिर इसको लेने का मतलब क्या? तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप लोग नए यूट्यूबर हो ना तो ऐसी गलती मत करो माइक खरीदने की। आपके पास जो मोबाइल है, अगर वॉइस ओवर चैनल है तो उसी से बनाओ, और अगर दूसरा फेस कैम वाला है तो भी आप मोबाइल से बनाओ। आप लोग ये माइक बिल्कुल मत खरीदना। नए यूट्यूबर को यही चस्का होता है कि माइक लेना है, ट्राइपॉड लेना है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइपॉड ले सकते हैं आप लोग वीडियो के लिए, लेकिन माइक बिल्कुल परचेज ना करें ऐसा। अगर आप लोगों के पास तसल्ली है कि हाँ ये जो है माइक बिल्कुल जो सेफ और सही है, तो आप लोग इसको ओरिजिनल है तो इसको खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ये माइक डुप्लीकेट है तो आप लोग इस माइक को मत खरीदना, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये अमेजोन पर जो डुप्लीकेट आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे आ रहे हैं, और बहुत महंगे भी पड़ते हैं। देखो नए यूट्यूबर के लिए 700 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप लोगों को 700 रुपये कम लग रहे हैं आप लोगों के पास में है तो आप लोग इसको मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बताऊंगा कि आप लोगों को यही रिव्यू देने आया था कि भाई देखो इसका बारे में बताने आया था कि क्या ये है और क्या नहीं है, इसकी सच्चाई बताने आया था, और इसकी सच्चाई मैंने बता दी आप लोगों को। अब इसकी सच्चाई पता है, और अगर पहले थी तो ठीक है, नहीं तो अभी आप लोग पता कर लो। ये मेरे पास पड़ा, अभी किसी काम का नहीं है मेरे, ठीक है, अब मैं इसका क्या करूँ, ये पड़ा है मेरे पास, लेकिन मैं इससे वीडियो शूट नहीं कर सकता, वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, मेरे काम की चीज़ है ही नहीं, तो अब मैं इसका क्या करूँ, ये 20 फीट इसका वायर है, ठीक है, क्या करूँ मैं इसका, ठीक है, अभी ये किसी काम की चीज़ है नहीं, क्योंकि ये फेक है, ओरिजिनल नहीं थी, क्योंकि मैंने अमेजोन से मंगवाई, मनोज दे के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो के लिंक था वहाँ से मंगवाया इसको, लेकिन वहाँ से भी ये मेरे को फेक मिला। तो इसका कोई जो है अभी मेरे काम का है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल फेक निकला, और अमेजोन पर भी फेक आते हैं। आप लोग सोचते हो कि अमेजोन पर फेक नहीं मिलेंगे तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, अमेजोन पर फेक माइक मिल रहे हैं और फेक माइक ही आएंगी। ये बड़ा इसका पाउच और बॉक्स घर पे, ठीक है, तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, कुछ भी काम का नहीं है,
इसको मैं फेंक सकता हूँ और बस इतना ही बता सकता हूँ आपको, इसका एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ये किसी काम की चीज़ नहीं है आपकी। अगर आप लोग नए यूट्यूबर है, बिगनर यूट्यूबर है, तो आप लोग इसको खरीद कर गलती मत करिए, क्योंकि ये किसी काम की चीज़ नहीं है। अभी ये जो डुप्लीकेट आनी शुरू हो गई है और बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं इसके साथ में, तो आप लोग इसको खरीदने की गलती करिए मत। आप लोग जो आपके पास में मोबाइल है उसी से वीडियो शूट करिए, उसी से एडिटिंग करिए, उसी से वॉइस ओवर करिए, उसी से वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, जो भी करना अपने मोबाइल से करिए। देखिए दोस्तों, चैनल धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि माइक की वजह से जो अच्छे से ज़्यादा अभी जल्दी ग्रो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जितना हम माइक से करते हैं थोड़ा बहुत जो वॉइस में रहेगा, और शुरुआत में सभी कह रहा था दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि सभी जो है शुरुआत में ही माइक लेके आए थे, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते, ठीक है, सभी एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। आप लोग जैसे भी कर रहे हैं वैसे ही आप लोग कंटिन्यू मेहनत जारी रखिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।